हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमने आरआरबी की सीरीज़ शुरू की थी जनरल साइंस। उस पर हमने बायोलॉजी और फिज़िक्स का पार्ट जो है फ़िज़िक्स का कंप्लीट हो चुका है, बायोलॉजी का थोड़ा रिमाइनिंग है, उसको अभी कवर करना है। तो आज जो है हम केमिस्ट्री का पार्ट कवर करेंगे दोस्तों। जी हाँ, केमिस्ट्री का पार्ट कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक सिंगल वीडियो में सारा का सारा जो केमिस्ट्री पार्ट है उसको कवर किया जाएगा, ताकि एक ही शॉट में आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। टोटल 159 पेजेस है दोस्तों, ये 160 मान के चलिए आप। ओके, केमिस्ट्री का तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए, पहला टॉपिक है केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन मैटर्स में आ जाता है। सो विन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर मॉलिक्यूल्स ऑफ मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया सॉलिड। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड इज मैक्सिमम। द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज आइडेंटिफाइड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मनेस ऑफ द मटीरियल और उसका जो डायरेक्ट रेसिस्टेंस होता है डिफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सब्सटेंस की बात करें तो ऑप्शन है देर इज़ नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये सरासर गलत है दोस्तों। होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस बाय विच दे आर बाउंडेड टू ईच अदर। अगर नहीं होता तो कोई भी ऑब्स्टिकल जो है, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूसली इन फ्लूइड एंड एयर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देर इज इंटर मॉलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड की बात करें तो ऑप्शन सी होगा दे आर कॉन्फिगर्ड इन ए सिस्टमैटिक मैनर दोस्तों। ओके, दो सब्सटेंस विच हैव फिक्स साइज and volume have an attraction force between particles are called solids. That is, each solid component consists of particles and these particles are molecules and atoms उनको कहा जाता है। okay? Characteristics देख लेते हैं। Solids are incompressible, hard होते हैं obviously, right? कोई भी चीज़ उठा लीजिए आप। अब मैं इस यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये डेस्कटॉप सॉलिड है, right? लैपटॉप सॉलिड हो सकता है, कोई भी चीज़। ओके, उनके बीच में जो है लेस स्पेस बिटवीन होते हैं। दे हैव ए हायर डेंसिटी इन कंपेरिजन टू गैसेस एंड लिक्विड। ओके, द पार्टिकल्स वुडन ब्लॉक हो गया बेस्ट एग्जाम्पल सॉलिड का। The particles of solid are configured in a systematic way and their melting point is often very high actually. Okay. How many states of matter have been determined by the scientists so far? Option B, 5. Matter is a content of the universe. Every object that occupies a space and has a mass is called matter of substance. कोई भी object है जो कुछ space लेता है या उसका कुछ mass है तो उसको हम matter और substance कहते हैं। There are 5 states of matter have been determined by scientists. Solid हो गया, liquid हो गया, gases हो गया, plasma हो गया और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसे कहा जाता है। सो व्हाट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो दैट इज ऑप्शन बी प्लाज्मा इज फ्लूइड प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी दोस्तों। प्लाज्मा एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। इट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी ए डिफरेंट स्टेट और ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इसे कहा जाता है दोस्तों। ये एक्चुअली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हमारे ब्लड वेजल्स को मूवमेंट के लिए मदद करता है। While this substance is not found in all other cells of body. Okay, diffusion occurs in extreme intensity of option C gases हो गया। Diffusion in gases occurs in extreme intensity because there is negligible attractive force between the molecules of gas and molecules in other two states that is solid and liquids attract each with greater force. Therefore, molecules are not free enough to diffuse intensively. ठीक है, चलिए। If ammonia is a gas, then camphor is a option B solid. Camphor is found in solid state. It is a white-colored wax-like substance. It has a pungent smell, and ammonia is a colorless gas with strong odor. It is higher than air, dosto, and this is mostly soluble in water. It's not higher than; it's lighter than. Sorry. So, which of the following statement is incorrect? Option E, ho gaya. That is, particles of matter are in steady state. No. देखते हैं. So, some of the characteristics of the particles are all substances are made up of particles. मान गए. Particles of matter are very small. ठीक है. देर इज़ अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग सो दे आर नॉट इन स्टडी स्टेट। ओके, कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं और जैसे जैसा आप इनके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ करते रहेंगे ना, इनका मूवमेंट और भी ज़्यादा तेज हो ज़्यादा हो जाएगा। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना दोनों पार्टिकल्स के बीच में, उसी पर डिपेंड होता है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है, राइट? So particles of matter have kinetic energy and the speed of particles increases with increasing in temperature. Dash is a pure substance. Option B, methane. Methane is a pure substance. It is found in the form of natural gas along with petroleum substance under the surface of earth. It is also found in marshlands. इसको हम marsh gas भी कहते हैं. Which of the following is true? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओनली बी इज ट्रू। ठीक है, बी पहले देख लेते हैं। दिस इज द क्वालिटी, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? दिस इज द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस देयर वॉल्यूम एट हाई प्रेशर। दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड इन गैसेस दोस्तों। ठीक है, वही अगर बात करें रिजिडिटी की, वो अलग होता है। ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ टफनेस इन सब्सटेंस द सब्सटेंस रेसिस्ट द शेकिंग और बम्प्स। ओके, जब कोई भी हिट ब्रेक लगाते हैं या हिट कोई ऑब्जेक्ट हिट होता है उसे। हेंस स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, स्टेटमेंट बी इज ट्रू बिकॉज द कंप्रेसिबिलिटी इज मोस्टली द गैसेस में होता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी देयर वॉल्यूम डिक्रीजेस एट हाई प्रेशर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। द मिक्सचर कैन बी डैश इन नेचर, ऑप्शन सी हो गया दोस्तों, बोथ होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस दोस्तों। इन नेचर द मिक्सचर इज बोथ होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। द मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ ए सॉल्ट इन वाटर एंड मिक्सचर ऑफ ए शुगर इन वाटर। वाइल द मिक्सचर जो है नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट द सोल्यूशन, इसको हम हेटेरोजीनियस कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है? मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है ना, इसलिए। एंड अलॉय इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन सी, सॉलिड सोल्यूशन। ओके, सो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड सोल्यूशन। द मेजर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड अलॉय सच एज ब्रास, कॉपर, जिंक। वही अगर सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इन सॉलिड की बात करें तो मेर्क्यूरी मेटल है इन थैलियम मेटल। वही अगर सॉलिड इन गैस तो कैम्फर सोल्यूशन इन एयर, और लिक्विड इन लिक्विड अल्कोहल सोल्यूशन इन वाटर, और लिक्विड इन गैस की बात करें तो फॉग हो गया, ये सारा कुछ अमोनिया गैस हो गया दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया मिल्क। ओके, सो मिल्क इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, वाइल ब्रास, शुगर सोल्यूशन इन वाटर एंड एयर आर होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑप्शन डी हो गया दोस्तों, वाटर। ऑल अदर सब्सटेंस एक्सेप्ट वाटर आर मिक्सचर, वाइल वाटर इज ए कॉम्पाउंड। द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑर्डिनरी सब्सटेंस डज नॉट इंक्लूड डैश सब्सटेंस की बात करें तो ऑप्शन ए हो गया दोस्तों, कोलाइड। Collide matter is not a physical state of ordinary substance. Very very important point है. If the chemical mixture in which particles of one substance are uniformly dispersed in other, okay, तो हम homogeneous कहते हैं उसको, right? तो colloidal matter जो होता है वो कोई physical state में नहीं होता है दोस्तों, of the ordinary substance. Mainly three states of matter are exist, that is solid, liquid and gases. Okay? The air is option D, mixture of both elements and compounds. Important है, थोड़ा zoom in कर लेता हूँ मैं भी, आपको अच्छा दिखेगा। So air is a mixture of gases, both elements and compounds contained in Earth's atmosphere. The gases found in atmosphere क्या क्या होता है? नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑर्गन हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, राइट, मीथेन हो गया, कई तरह के इनर्ट गैसेस भी होते हैं। बोथ होता है, एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स दोनों का मिक्सचर होता है। द हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमाइन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम, इसे हम कहते हैं सस्पेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Such heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the medium is called suspension. Which law in science does not follow the properties of a mixture? Option D हो गया दोस्तों, its structure is fixed. In chemistry, the substance which obtained by mixing of two or more elements, compounds or substance, कोई भी proportions में अगर आप दोनों चीज़ों को, दो elements हों, दो compounds हों, दो substance हों, अगर मिला रहे हैं कुछ proportion में, इसको हम क्या कहते हैं? Mixture कहते हैं दोस्तों। The mixture can be separated into its initial ingredients by simple mechanical methods. The constituents present in mixture always retain their properties. For example, mixture of salt and salt. Okay. When two liquids do not dissolve in each other and do not form solution, what is it called? दोस्तों, इसको हम immiscible कहा जाता है. Okay, immiscible. When two liquids do not dissolve in each other and do not form a solution, they are called immiscible substance. Next, sugar is a dash in a sugar solution. Option B, dissolved substance. दोस्तों, a homogeneous mixture of two or more substance, solid, liquid, gas is called solution. Generally, its main constituent which are high in quantity are solvents, and those which are in small quantities are called solutes कहा जाता है दोस्तों. Okay, water is a good solvent because it dissolves different types of substance. Okay, for this reason water को एक universal solvent भी कहा जाता है, right? And sugar is also dissolved substance, solute in the sugar solution because it has a small quantity in solvent. तो इसे सोल्यूट कहते हैं, वाटर को सॉल्वेंट कहा जाता है। डैश इज नॉट ए कॉम्पाउंड, ऑप्शन ए लेड हो गया। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और जॉइंट टुगेदर बाय केमिकल बॉन्डिंग इन सर्टेन प्रोपोर्शन द सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल कॉम्पाउंड। ओके, सच एज चाक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, लेड इज ए प्योर एलिमेंट, इट इज नॉट ए कॉम्पाउंड। नेक्स्ट देखते हैं, मिक्सचर ऑफ ए सैंड एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, याद रख लीजिए। ए मिक्सचर ऑफ ए सैंड एंड शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की बात करें, देखिए क्वेश्चन 2021 में ही पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। दोस्तों ऑप्शन भी हो गया फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस थ्रू एक्शन ऑफ एंजाइम्स। It is narrowly defined as extraction of energy from carbohydrate in the absence of oxygen. Okay, देखिए इसमें जो है एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से एक्सट्रैक्ट किए जाती है, किसके ऑप्शंस में? ऑक्सीजन के ऑप्शंस में। ओके, एंड इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। थोड़ा मैं स्पीड लेके जा रहा हूँ क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं और हम लोगों ने अभी तक इस पार्ट को कंप्लीट नहीं किया। अभी हम लोग 159 पेजेस तक जाना है। ओके, तो थोड़ा आपको स्पीड लग रहा होगा, बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट हूँ कि मेरे साथ ही आप आगे बढ़िए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। सो ऑप्शन सी फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस। दोस्तों फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस इज नॉट ए फिजिकल चेंज, इट इज़ ए केमिकल चेंज। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मेकिंग विनीगर फ्रॉम शुगर केन जूस, ये सारा कुछ केमिकल चेंज होता है, फिजिकल नहीं होता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। ऑप्शन डी हो गया ग्लोइंग ऑफ प्लैटिनम वायर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर इज ए केमिकल चेंज एज वेल एज फ्यूल कंबशन, ऑक्सीडेशन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, बट ग्लोइंग ऑफ प्लैटिनम वायर जो ये एक फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन ए। दोस्तों क्या है ऑप्शन है? सोरिंग ऑफ बेटर। ओके, द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। देर इज एन कन्वर्जेबल प्रोसेस होता है जिसे ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय द न्यूली फॉर्म प्रोडक्ट्स। ओके राइट, नेक्स्ट हो गया हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ विच दैट इज केमिकल चेंजेस। When a substance combines with another substance to form a new substance, it is called chemical change. Rusting of iron is an example of chemical change. Some other example of chemical change क्या है? Milk conversion to yogurt, okay, burning of incense sticks, burning of wood, digestion of food. Which of the following is an example of chemical change? So option C हो गया neutralization। 2016 का क्वेश्चन है। The change in which one or more new substance are formed is called chemical change, and chemical change are also called chemical reaction. और न्यूट्रलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। दोस्तों द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इन दिस प्रोसेस सॉल्ट्स एंड वाटर और प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट। यहाँ पे देख सकते हैं HCl + NaOH गिव्स राइज टू NaCl + H2O। डैश इज नॉट ए केमिकल चेंज। अगेन ऑप्शन भी हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। द प्रॉपर्टीज सच एज साइज, शेप, कलर, ओके एंड साइज, शेप, कलर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल। अगर चेंज हो रहा है इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तो एनी चेंजेस इन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन सच टाइप ऑफ चेंजेस। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है, सो मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब क्या होता है? केमिकल चेंज नहीं होता है, फिजिकल चेंज होता है ना, क्योंकि वो पहले सॉलिड होता है, जब मेल्ट होगा तो लिक्विड होगा, बेसिक चीज़ है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज? ऑप्शन सी हो गया दोस्तों मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड? कौन सा प्रोसेस है वो? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, चलिए तो प्रोसेस पहले एक एक के बारे में जान लेते हैं। सो डिपोजिशन, द प्रोसेस बाय विच द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम गैसियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट। ओके, कंडेंसेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम वेपर टू लिक्विड स्टेट दोस्तों। ओके, नेक्स्ट हो गया सब्लिमेशन, द प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। और एवापोरेशन, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन और नॉट? ऑप्शन डी पूरे। चेंज इन स्टेट, गैस का एमिट होना, कलर चेंज होना, ये सारा कुछ केमिकल रिएक्शन की ही निशानियाँ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज की बात करें तो ऑप्शन ए हो गया वाटर चेंजेस टू आइस। के सच ए चेंज इन ए सब्सटेंस इन विच द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस रिमाइन द सेम but the physical properties of substance change is called physical change होता है। For example, change of water into ice. Okay, the change in any substance in which a few substance is formed, which is completely different from chemical and physical properties of the original substance, is called chemical change. For example, rusting of iron, formation of curd from milk. Next, which of the following is not an example of chemical change? That is option C हो गया दोस्तों, change of water into water vapor. Okay, a change in which the material cannot easily recover in its former state after a change is called chemical change. ठीक है, a new substance is formed in it or it involves both physical and chemical changes such as making of curd from milk, आपने देखा होगा, digestion of food हो गया, rusting of iron हो गया, right? और the example of chemical changes, अगर वही water water vapor में बदल रहा है वो क्या होता है? physical change. Okay, so it involves both chemical and physical changes. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? अगेन पूछा गया है दोस्तों, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, कन्वर्शन ऑफ मिल्क टू कर्ड is a chemical change because a new substance lactic acid is formed. No chemical reaction takes place when sand or sugar dissolve in water and in sublimation of dry ice, therefore less these reactions are physical change हो गया दोस्तों कि change of solid into solid CO2 हो गया, उसको gas में अगर आप change कर रहे हैं तो physical change हो गया right, वही अगर milk है दही में आप convert कर रहे हैं तो chemical change हो गया दोस्तों okay? चलिए law of conservation of mass की बात करें तो which law state that mass cannot be produced or destroyed in a chemical reaction? ऑप्शन डी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 2019 में पूछा गया था। द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाय फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लवाइजियर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नेदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। द मास ऑफ प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके। जो भी मास ऑफ प्रोडक्ट होता है केमिकल रिएक्शन में इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन करस्पॉन्ड टू डैश, ऑप्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोस्तों। A balanced chemical equation corresponds to law of conservation of mass. उसका during a chemical reaction the sum of the masses of the reactant and product remain unchanged. इसको क्या कहते हैं? mass conservation principle कहा जाता है ठीक है। जो chemical reaction होता है ना, जितने भी masses का जो sum होता है reactants का and products remain unchanged. This is called principle of conservation of mass. Mass can neither be created nor destroyed. It can transfer from one body to another body. Same energy का भी वही formula है right? Energy can neither be created nor destroyed. वो भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोपोंडेड द लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो? तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों जोसेफ प्रॉस्ट। जोसेफ प्रॉस्ट फॉर्मुलेटेड द कांस्टेंट रेशियो और फिक्स्ड रेशियो लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईच एलिमेंट ऑफ केमिकल कॉम्पाउंड इज ऑलवेज फाउंड इन सर्टेन प्रोपोर्शन ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द रूल ऑफ कांस्टेंट रेशियो वॉज गिवन बाई, ऑप्शन बी जोसेफ एल प्रॉस्ट। According to the law of constant proportion, in chemical matter, elements are always present in fixed proportion of mass. दोस्तों, okay? The law of definite proportion was formulated by Joseph Prost. According to this law, the weights or masses of constant elements in the chemical compound always have fixed ratio. ठीक है? For example, the ratio of the weights of hydrogen and oxygen is 1:8. The ratio of the weight of hydrogen and oxygen is 1:2. Water की बात करें, obtained from any source is always 1:8. Okay? चलिए. According to which of the following rules a given chemical substance always contains sample elements that are combined in a different proportion by weight? That is option A होगा दोस्तों law of constant ratio. Okay? So given जो भी chemical substance always contain the same element that are combined in different proportion. So law of constant ratio की बात करें was formulated by Joseph Prost और इस law के हिसाब से अगर आप देखेंगे जितने भी constituent element का जो masses है okay, present होता है chemical compound में is always constant and fixed. ठीक है, a chemical substance always contain the same element that are combined in definite proportions. Next, all samples of carbon dioxide contain carbon and oxygen in the ratio of 3:8. This is in agreement with the rule of option B हो गया दोस्तों, that is क्या है constant proportion. According to the law of definite ratio or law of constant proportion, the ratio of masses of elements in chemical compound क्या होता है, हमेशा fix होता है. फॉर एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टू ऑल सैम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा 3:8 ही होता है ओके। नेक्स्ट हम आ चुके हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। सो डाल्टन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन विच रूल? ऑप्शन भी हो गया केमिकल कॉम्बिनेशन। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट ए कॉम्पाउंड और ए मिक्सचर इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटॉम्स। According to Dalton atomic theory, an atom is an inseparable particle of matter. Okay. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Dalton's atomic theory provides an explanation for which of the following? Option B होगा दोस्तों law of mass conservation and fixed proportion. Okay. Dalton's atomic theory provides an explanation for law of mass conservation and law of fixed proportions. ठीक है। Next, which of the following statement is correct? According to Dalton's method की बात करें तो option D होगा दोस्तों atoms are indivisible particles of matter. According to John Dalton theory, every substance is made up of small particles called atoms, and atoms cannot be divided by any physical or chemical method. याद रख लीजिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है okay? Next, Dalton atomic theory is based on law of mass of conservation and law of fixed proportions. ठीक है, यहाँ पे each element is made up of smallest indivisible particles called atoms, and atoms of different elements also have different properties. The atom is inseparable. याद रख लीजिए। Next, which of the following is not a concept of Dalton atomic theory की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी दोस्तों, ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। नहीं, क्योंकि वो ऑटम से बने हुए होते हैं, मॉलिक्यूल से नहीं दोस्तों। सो हु अमंग द फॉलोइंग टोल्ड अबाउट द इनडिविजिबिलिटी ऑफ एन ऑटम? ऑप्शन ए जॉन डाल्टन। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ मास कंजर्वेशन लॉ? दैट इज ऑप्शन डी, ऑटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स, हमको नहीं दिखते हैं, उसको ना प्रोड्यूस किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है कोई भी केमिकल रिएक्शन से, ये बताया है डाल्टन साहब ने अपनी थ्योरी में। ठीक है, वही एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। डैश प्रपोज दैट ईच एलिमेंट हैज़ पर्टिकुलर एटॉमिक मास, ऑप्शन ए डाल्टन। जॉन डाल्टन जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने फॉर्मुलेट किया एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। एंड ही प्रपोज दैट ईच एलिमेंट हैज़ पर्टिकुलर एटॉमिक मास। नेक्स्ट, विच साइंटिस्ट प्रूव द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर? ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। ओके, जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर एंड डाल्टन थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन दोस्तों। ओके, चलिए, ऑल मैटर जो है ऑटम से बने होते हैं, ऑटम्स आर इनडिवाइजिबल माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट कैन नेदर बी प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉयड। ऑटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मास भी होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूल और एटॉमिक वेट। ऑटम्स केमिकली कंबाइंड टू बिकेम ऑप्शन ए मॉलिक्यूल्स। ओके, ऑटम ऑफ वन और टू मोर एलिमेंट, ये बेसिक चीज़ होता है। देखिए ये ऑटम होता है, दिस इज़ द ऑटम, अगर दोनों ऑटम को आप मिलाते हैं तो मॉलिक्यूल हो जाता है दोस्तों। इसी तरह मॉलिक्यूल से सब्सटेंस बनते हैं। सो ऑटम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेम और टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप जॉइंट टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ऑटम ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स टुगेदर कैन मेक मॉलिक्यूल्स। एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट? ऑप्शन ए 5। कॉपर सल्फेट इज एन इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड विद ए केमिकल फार्मूला CuSO4.5H2O। तो पानी में कितने होते हैं? पानी के 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों। इन CaO रेशियो, द रेशियो ऑफ Ca एंड O बाय मास इज ऑप्शन ए 5:2। इन CO, द रेशियो ऑफ Ca एंड O बाय मास इज 5:2। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय डैश प्रोपोर्शन ऑफ द मास, ऑप्शन भी हो गया दोस्तों 1:8। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड वाटर आर प्रेजेंट इन द रेशियो 1:8 इन टर्म्स ऑफ मास, वाइल इन वाटर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें 2:1 होता है दोस्तों। ठीक है, पानी, चलिए मास की बात कर रहा हूँ और वॉल्यूम 2:1। नेक्स्ट, द मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अमोनिया इज ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ, ऑप्शन सी हो गया दोस्तों। ठीक है, 14:3। अमोनिया वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय प्रेस्ली इन 1771। It is found in the ashes of various animals, trees, plants, rock, volcanic mountains. It is used as an antidote, ice packets to make rayon. Next, how many atoms are in a molecule of ammonium chloride की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों 6 आटम। मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड हैज़ टोटल ऑफ 6 आटम्स इन इट। द अदर नेम ऑफ NH4Cl इज ए नौसादार। ओके, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलिन हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर दैट ऑन ओवर हीटिंग विदाउट मेल्टिंग इट टर्न्स इनटू अमोनिया गैस एंड HCl दोस्तों। ओके, नेक्स्ट, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 7.5 ग्राम्स ऑफ गैस टेक्स अप 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम। सो व्हाट गैस इट इज़ ये पूछा जा रहा है, तो इट इज ऑप्शन ई हो गया दोस्तों NO। ओके, सो वेट ऑफ 5.6 लीटर ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज 7.5 ग्राम्स दोस्तों। ओके, सो 1 लीटर ऑफ वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैसेस, डिवाइड कर दीजिए, दोनों को आंसर आ जाएगा। और हमको पहचाना है 22.4 लीटर ऑफ गैस का। ओके, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पाउंड्स हैज़ मोस्ट ऑटम्स? ऑप्शन बी H2SO4। HNO2 के पास 4 ऑटम्स होते हैं, H2SO4 के बाद 7 ऑटम्स होते हैं, CO2 के बाद 3 ऑटम्स होते हैं और CaOH ट्वाइस के बाद 5 आटम होते हैं दोस्तों। ओके, देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हैव मैक्सिमम 7 ऑटम्स। ओके, नेक्स्ट, द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज, ऑप्शन डी हो गया दोस्तों 40। कैल्शियम इज एन एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप 2A of the periodic table. The chemical symbol of calcium is Ca and atomic number 20 and atomic weight is 40.08. ये सब याद रख लीजिए, आप काम आएंगे एग्जाम में। और जो केमिकल एलिमेंट जो इसको डिस्कवर किया गया था 1808 में बाय सर हम्फ्री डेवी। लाइमस्टोन इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल सोर्स ऑफ कैल्शियम, इट इज़ ब्राइट कलर इन इट्स प्योर फॉर्म। नेक्स्ट, हाउ मेनी आटम्स आर इन ए मॉलिक्यूल ऑफ NH4 SO4 की बात करें तो ऑप्शन भी 15 दोस्तों। देखिए, नाइट्रोजन के 2 होते हैं, हाइड्रोजन के 8, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 4, टोटल 15। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH4NO3 की बात करें तो ऑप्शन है 35% दोस्तों। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन और मॉलिकुलर मास ऑफ टोटल मॉलिकुलर मास ऑफ डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। ओके, सो व्हाट इज़ द परसेंटेज अमाउंट ऑफ कार्बन ऑफ इन CO2 की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया 27.3, क्योंकि हमको पता है मॉलिकुलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 ओके। सर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप 44 वैल्यू आ जाएगी। एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन एटम इन CO2 इज 12 एंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इफ यू डिवाइड गेट द आंसर ओके। नेक्स्ट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एन H2O मॉलिक्यूल्स दोस्तों, तो करेक्ट आंसर है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एन एटम बट कैन नॉट बी रिमेन इंडिपेंडेंट, एटम स्मॉलर देन मॉलिक्यूल ओके। बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया गया है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एन H2O मॉलिक्यूल इज ऑप्शन बी 11.11 ओके। सो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज 1:8 हो गया ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमको सिर्फ पहचानना है ओके। सो 1+8 अगर आप करेंगे टोटल 9 हो गया ओके। हमको क्या पहचानना है, हाइड्रोजन का पहचानना है, तो 1/9 डालेंगे दोस्तों इंटू 100 करेंगे यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट डैश इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट हैज़ फ्री एग्जिस्टेंस दैट इज ऑप्शन डी molecules, the smallest particle of substance which can remains in independent state and which all the properties of substance are present is called molecule। यहाँ पे देख सकते हैं आप ओके। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एन ऑटम दोस्तों बट इट कैनॉट रिमेन इन इंडिपेंडेंट स्टेट, याद रख लीजिए कन्फ्यूज मत होना ओके। एन ऑटम इज ए स्मॉलर पार्टिकल दैन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट व्हाट इज द मास ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की बात करें तो ऑप्शन बी दोस्तों 90 यूनिट्स। द मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर 2 into मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन ओके। 2 into मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है, कीजिएगा आंसर आ जाएगा आपको राइट। चलिए डैश क्रेडिटेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ वोड मॉलिक्यूल अराउंड 1896 तो ऑप्शन सी हो गया विल्हेम ऑस्टवर्ड। ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कॉम्पाउंड दैट कैन रिमेन इन इंडिपेंडेंट स्टेट अंडर नॉर्मल कंडीशन, इट डिस्प्लेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस एंड द वर्ड मॉलिक्यूल वॉज इंट्रोड्यूस बाय विल्हेम ऑस्टवर्ड इन 1896 AD दोस्तों। नेक्स्ट द मॉलिकुलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया 106। एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स देखिए सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12 ओके, सबको ऐड कर दीजिए विल गेट द आंसर। द मास ऑफ 0.6 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज ऑप्शन ए 16.8 ग्राम्स, क्योंकि नाइट्रोजन एक केमिकल एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास इज 14.0। अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन फाउंड इन अर्थ एटमॉस्फेयर, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस और इसको डिस्कवर किया गया था रुदरफोर्ड के द्वारा 1773 में दोस्तों ओके। तो एक मॉलिक्यूल का जो है 14 है एटॉमिक मास, दोनों का कितना होगा 28 ग्राम्स, 14 into 2 मल्टीप्लाई कीजिए, मास ऑफ 0.6 मॉलिक्यूल ऑफ 92 विल गेट द आंसर ओके। मल्टीपल द मॉलिकुलर मास ऑफ CaOH ट्वाइस इज ऑप्शन डी हो गया दोस्तों 74U। नेक्स्ट चलते हैं, सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ कॉम्पाउंड कॉल्ड, तो हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों दैट इज मॉलिक्यूल कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ कॉम्पाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ H के, एग्जाम्पल NaCl की बात करें कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट एटम्स Na एंड Cl। उसका द नंबर ऑफ एटम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट ए मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी, इसको कहते हैं क्या कहते हैं एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स यूज्ड इन ए मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 2 दोस्तों। हु डिस्कवर द वर्ल्ड मॉलिक्यूल की बात करें वर्ल्ड तो ऑप्शन बी हो गया डेमोक्रेटिस। The smallest particle of substance which can remain in independent state and in which all the properties of substance are present are called molecules. The word molecule was discovered by Democritus. दोस्तों, next, a dash can be defined as a proportion of dash or dash fraction of compound that is capable of independent existence and show all the properties of that element. Okay, देखिए molecule can be defined as a proportion of an element or a smallest fraction of compound दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस। वही अगर आटम की बात करें तो आटम इंडिपेंडेंट नहीं होता है ओके। देर इज नो चार्ज इन ऑल मॉलिक्यूल्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी डिफर फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एटॉमिक मास रिलेटिव टू ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड इन रिलेशन टू एन आटम ऑफ ऑप्शन डी हो गया दोस्तों C12। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस बाय रेशियो ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन ओके। Isotopic atom that is atomic mass of an element is a number that denotes the mass of an atom of element how many times heavier than that okay। How many atoms are present in the molecule of CaOH twice, option C 5 दोस्तों। The formula of calcium hydroxide CaOH twice, the number of atoms of calcium is 1, number of oxygen atom is 2, number of hydrogen is 2, total calculate करेंगे आपको आंसर आ जाएगा ओके। C and O in CO2 are present in the ratio by mass, option A 3:8 दोस्तों, ठीक है। Carbon and oxygen in carbon dioxide are present in the ratio by the mass number, that is 2 into mass number of O, करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको क्या 3:8। चलिए, the number of atoms that constitute a molecule is called option D atomicity, okay, the number of atoms that constitute a molecule is called atomicity. The atomic mass of nitrogen is 14 and that of hydrogen is 1. What will be the molecular mass of ammonia की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों 17। देखिए atomic mass of nitrogen है हमारे पास 14, atomic mass of hydrogen है 1, molecular mass of ammonia की बात करें तो 14 + 3 × 1, ठीक है। तो क्योंकि atomic mass of nitrogen is 14 हो गया, ओके, और hydrogen का 1 है तो 3 × 1 3 ही होगा दोस्तों। सो 14 + 3 × 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। So to find the atomic weight of an element, with which of the following is atomic weight of that element compared करते हैं। अगर किसी एलिमेंट की atomic weight आपको पहचानना है तो किससे आप compare करेंगे। To find the atomic weight of an element, we compared with atomic weight of hydrogen दोस्तों, hydrogen से compare किया जाता है। So atomic weight of hydrogen is 1.008 mu. Hydrogen has 3 isotopes, protium, deuterium and tritanium दोस्तों। चलिए अब हम आ चुके हैं मोल के कॉन्सेप्ट पे, एवोगैड्रो नंबर पे। The mass of molecule of an oxygen is option D 5.3 × 10⁻²³ gram. Okay? The molecular weight of oxygen is 32, but 1 mole of molecule is 6.02 × 10⁻³³. वही अगर हमको क्या पहचाना है mass of 1 molecule of oxygen. So 32 / 6.02 × 10⁻³³ करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा दोस्तों। So in 144 grams of magnesium, dash gram atoms are present. That is option B हो गया 6. Okay? So mass of magnesium molecule is 24 mu, number of moles and number of atoms in 1 gram or gram atomic number की बात करें you will get number of moles minus number of atoms in 1 gram or gram atomic weight, okay, is equal to element weight divided by mass of a molecule. तो दोनों को divide कीजिए, you will get the answer, okay। चलिए, which amount of chlorine given in vessel of 273 Kelvin, okay, will have a minimum pressure की बात करें तो ऑप्शन सी 0.0355 grams दोस्तों, okay। The amount of chlorine given in a vessel of 273 Kelvin will have a minimum pressure of 0.0355 gram as the number of molecules in 0.0355 gram is minimum. The gram molecular mass of oxygen is 32 grams. The density of oxygen is 1.42 grams per cc. What is the gram molecular volume of oxygen दोस्तों, ऑप्शन ए हो गया 22.4 लीटर। देखिए एक ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ एन ऑक्सीजन कितना होता है 32 ग्राम्स, क्वेश्चन में ही दे दिया उसने। ऑक्सीजन की डेंसिटी भी दे दिया है 1.429 और 1 जो भी है। सो ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अगर आप पहचानना है तो मास बाय डेंसिटी कर दीजिएगा, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यू विल गेट द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ए मैक्सिमम मास, दैट इज ऑप्शन डी 0.1 mole of ammonia. Total molar mass of N is 14.01 gram. Total molar mass of hydrogen is 3.03. Total mass of ammonia is 17.04. ठीक है? Next, the atomic mass of carbon is 12. The number of molecules in 24 grams of carbon will be option A 2 होगा दोस्तों, ठीक है? The number of molecules is equal to given mass by atomic number. Divide करें आंसर आ जाएगा। How many atoms of sulfur are present in 0.6 molecule of SO2 की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों 3.613 × 10⁻³³। The number of sulfur atoms in the 1 molecule of SO2, that is 6.02 × 10⁻³³. Number of sulfur atoms in the 0.6 molecule of SO2 की बात करें just multiply with 0.6, you will get the answer। Next, यहाँ पे देख सकते हैं PbO + HCl gives rise to PbCl2 + H2O. सॉल्व द इक्वेशन टू बैलेंस अबो इक्वेशन, HCl रिक्वायर्स डैश मोल्स। बैलेंस करने के लिए HCl में कितने मोल्स होने चाहिए, ऑप्शन ये हो गया दोस्तों 2 मोल्स, ओके। इन एनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपाउंड्स ऑन ईदर साइड इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल। द प्रोडक्ट इन द गिवन केमिकल इक्वेशन हैज 2H 2Cl, ओके, सो द रिएक्टेंट मस्ट ऑल्सो हैव 2H and 2Cl दोस्तों। सो फार्मूला यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं PbO + 2HCl gives rise to PbCl2H2, ओके, 2 मॉलिक्यूल हमने ऐड किए। व्हाट इज द मास ऑफ 0.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों 9.6 ग्राम। द केमिकल फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2। एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम्स। मॉलिकुलर मास की बात करें तो 32 ग्राम्स, एक मॉलिक्यूल की बोल रहा हूँ, एक मोल की बोल रहा हूँ सॉरी। और मॉलिकुलर मास ऑफ 0.3 मोल क्या होता है, मल्टीप्लाई कीजिएगा आंसर आ जाएगा आपको। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर इज ऑप्शन ए 5 दोस्तों. मास ऑफ 1 मोल दैट इज़ 1 into 2 plus 16 into 1 करेंगे तो दैट इज विल गेट द आंसर. ओके, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप हाइड्रोजन के 1 होता है ओके एंड 2 एलिमेंट्स होने की वजह से 2 लिखा गया है वहाँ पे प्लस 16 into 1. ओके, ऑक्सीजन का मैंने अभी बताया था आपको कि मास ऑफ 1 out of 16. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम्स बाय मॉलिकुलर मास. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. अगेन नोट इट डाउन. नंबर ऑफ मोल्स अगर पहचानना है तो वेट इन ग्राम आपको आना चाहिए और डिवाइडेड बाय उसका मॉलिकुलर मास दोस्तों. ठीक है, चलिए 5 मोल्स हो गया. नेक्स्ट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन ऑप्शन सी दैट इज 6.022 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक अवोगाड्रो नंबर से इक्वली होता है राइट. सो देयर आर डैश आटम्स इन 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑप्शन सी हो गया 6.022 × 10⁻²3. गिवन दैट 1 मोल ऑटम ऑफ ऑक्सीजन वेट इज 16 ग्राम्स, व्हाट इज अ मॉलिकुलर वेट ऑफ ओजोन की बात करें तो ऑप्शन बी 48 ग्राम्स पर मोल. देखिए एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो है 16 ग्राम का है. ओजोन में क्या होता है O3 होता है ना, तो फिर उससे एक जो है ऐड कीजिएगा × 3 मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर आ जाएगा. हु इंट्रोड्यूस द वर्ड मोल इन केमिस्ट्री की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्रेडरिक विल्हेम ऑस्टवर्ड. वॉज ए जर्मन केमिस्ट. ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज in chemistry in 1909 for his work on chemical equilibrium and reaction velocity. In 1896 the word mole was mentioned in chemistry by him. The mole is a Latin word which means heap. Or 1967 AD mole was accepted as unit dosto. Molar mass is used to convert grams of substance into moles and is mostly used in country. So what is the unit of calculation for chemist ki baat kare to option A ho gaya dosto again mole. The unit that chemist uses to calculate the number of atom, molecule and ions is called mole. 6.02 × 10⁻³ atoms are present in 1 mole. So the atomic mass of aluminium is 27 nu. The number of moles present in 54 grams of aluminium will be option A 2 हो गया दोस्तों. ठीक है, the atomic mass of aluminium is 27 nu and total mass of a given aluminium water is 54 grams. So mass of matter by mass of 1 mole of matter that is 2 moles. ठीक है, next which of the following is a correct definition of mole की बात करें तो option A हो गया दोस्तों. A, C and D. It is equal to the gram atomic mass of substance. It is equal to the gram molecular weight of substance. और it contains 6.022 × 10⁻³ molecules of substance दोस्तों. Okay? Not atoms. Calculate the mass of 0.5 mole of N2 gas की बात करें that is option A 14 grams. Mass of 1 mole of nitrogen atom is 14 grams. Mass of 1 mole of nitrogen molecule का अगर बात करें तो divide 2 multiply करना पड़ता है and mass of 0.5 mole of nitrogen molecule is 14 grams. Next, what is the number of particles present in 1 mole of any substance? Option B 6.022 × 10⁻³. ये Avogadro number है. ठीक है. Next, the number of atoms or molecules or ions present in 1 mole of substance is called option C Avogadro number. In 1 mole of acetic acid dash oxygen atoms are present. Option A 2 दोस्तों. Acetic acid CH3COOH also known as ethanoic acid. It is an organic acid that causes vinegar to have sour taste and pungent aroma. A mole of acetic acid has 2 atoms of oxygen, 4 atoms of hydrogen and 2 atoms of carbon. Next है 69 grams of sodium contain 3 mole of sodium. What is the atomic mass of sodium की बात करें तो option C हो गया दोस्तों 23. 3 mole of sodium contain 69 grams. Mass of 1 mole अगर करेंगे तो divide कर दीजिए आंसर आ जाएगा. How many moles are present in 64 grams of helium? That is option B हो गया दोस्तों 16 moles. Okay? Number of moles in helium is weight in gram by molecular mass. Mass of 1 mole of helium is 4.0 gram. Number of moles is 64/4 that is 16 दोस्तों. इसके बाद how many molecules are present in 63 grams of nitric acid की बात करें तो correct answer है इसका option C 6.02 × 10⁻³. ठीक है, चलिए next how many atoms are in a copper molecule तो option C 6.022 × 10⁻³ दोस्तों. The number of particles जो कि atom, molecule और ions in a mole of substance is fixed which is 6.022 × 10⁻³. This value is obtained by experimental method. इसको हम Avogadro constant और Avogadro number भी कहा जाता है जो कि Na और N0 से इसको डिनोट किया जाता है. How many moles of sulfuric acid are in 25 grams? Option D हो गया दोस्तों 0.255. Okay, molecular weight of sulfuric acid H2SO4 हो गया. Okay, हमको तो पता है weight of H2SO4 25 grams है क्योंकि वहाँ पे दिया है. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम बाय एटॉमिक वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. ये फार्मूला हमने पहले भी यूज़ किया है. मैंने बोला था आपको इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए. A molecule of any substance contains 6.023 into 10^23 particles if 3.0115 into 10^23 particles are present in CO2. The number of molecules of CO2 is 0.5, ऑप्शन ए. ओके, देखिए अवोगाड्रो नंबर हमारे पास है. ओके, और पार्टिकल्स कितने हैं CO2 में वो भी उन्होंने बता दिया, हमको सिर्फ n पहचानना है दोस्तों. दैट इज नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स बाय अवोगाड्रो नंबर से आप डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर. अप्रॉक्सीमेट आंसर भी अगर आ जाए ना तो आपको अंदाज़ा लगा के आंसर कर सकते हैं आप. ठीक है, सो हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.6 मोल ऑफ SO2? दैट इज ऑप्शन बी 3.613 इंटू 10^23 ऑटम. नंबर ऑफ सल्फर ऑटम्स इन 0.6 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज 1 मोल 6.02 इंटू 10^23. 0.6 में क्या करना है, डिवाइड करना, सॉरी मल्टीप्लाई करना है. सो हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 54 ग्राम्स इन हीलियम की बात करें तो ऑप्शन ही होगा 13.5 मोल्स दोस्तों. सो मास ऑफ हीलियम इज़ 54 ग्राम्स. मॉलिकुलर मास ऑफ हीलियम m इज़ 4 ग्राम पर मोल. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ हीलियम बाय मोलर मास. ओके, विल गेट द आंसर. उसके बाद हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 0.5 मोल ऑफ KCI की बात करें दैट इज ऑप्शन ए हो गया 3.01 इंटू 10^23. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0.5 मोल ऑफ KCI करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा. व्हाट इज़ द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ CO2 की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों 440. ओके, सो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 दैट इज 12 + 2 × 16, क्योंकि यू नो एटॉमिक मास जो होता है ऑक्सीजन का 16 होता है, उससे 2 आटम से हमको 2 हमने मल्टीप्लाई किया, कार्बन का एक ही है तो 12 है, करेंगे आंसर आ जाएगा 44. हमको क्या पहचाना है, 10 मोल्स का पहचाना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए आप, आंसर आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग वेट इज़ द हाइएस्ट की बात करें तो ऑप्शन ही होगा 10^23 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दोस्तों. ओके, 10^23 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल हैव ए हाइएस्ट वेट. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ अवोगाड्रो Na 6.02 एंड 10 इंटू 10^23 मोल. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्रिपलेट गैस की बात करें दैट इज ऑप्शन ही हो गया 6.02 इंटू 10^22. ओके, अवोगाड्रो नंबर, द नंबर ऑफ ऑटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑटम ऑफ ए एलिमेंट इज 6.022 इंटू 10^23 विच इज कॉल्ड अवोगाड्रो नंबर. Na और N0 से डिनोट किया जाता है, बहुत बार मैंने बोला है आपको. व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ CH4 दोस्तों. देखिए मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ मीथेन की बात करें तो ग्राम मॉलिकुलर ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 12.01 + 4 इंटू 1.008 दोस्तों, तो वी विल गेट 16 ग्राम्स. वही अगर मास ऑफ 1 मॉलिकुल ऑफ मीथेन इज 16.042 एंड 0.1 मोल मास ऑफ मीथेन इज करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है. ये क्या होता है, आपको प्रैक्टिस जब आप पेन पेपर लेके बैठेंगे नहीं ना तो आपको उतना इजी नहीं दिखेगा दोस्तों. तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा इसको. मैं सिर्फ आपको वे दिखा सकता हूँ, आपको सामने क्वेश्चंस लेकर आ सकता हूँ कि किस तरह से पूछे हैं. अगर समझाता बैठूंगा ना तो बहुत लंबा लेक्चर चल जाएगा. चलिए, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 1 मोल ऑफ ईच एलिमेंट की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों. 1 मोल ऑफ कार्बन विल हैव सेम नंबर ऑफ ऑटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ हीलियम. ओके, तो यहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके. चलिए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर की बात करें तो ऑप्शन ये हो गया दैट इज सॉरी बी हो गया 6.02 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल. ये भी कन्फ्यूज़ करने के लिए देता है दोस्तों, सो बी केयरफुल. हाँ, नेक्स्ट, द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32U. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स इन 16 ग्राम्स ऑफ सल्फर की बात करें तो ऑप्शन बी 0.5 मोल ऑफ सल्फर. नंबर ऑफ मोल्स पहचानने का मैंने बोल दिया पहले, वेट ऑफ सल्फर बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, डिवाइड कीजिए आंसर आ जाएगा. व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स इन 60 ग्राम्स ऑफ हीलियम की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मॉलिकुलर वेट और 1 मोल ऑफ हीलियम इज 4 ग्राम्स. सो नंबर ऑफ मोल्स इन 60 ग्राम्स ऑफ हीलियम इज, इफ यू डिवाइड इट यू विल गेट द आंसर. एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 54 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज दैट इज ऑप्शन ही हो गया दोस्तों 3. ए मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ ओरिजिनल पार्टिकल्स एज द नंबर ऑफ ऑटम्स प्रेजेंट इन 12 grams of isotope. The number of moles of substance is determined as follows, जैसे कि weight of element by molecular mass of element is equal to volume of element by 22.4 लीटर. The substance जो यहाँ पे ग्लूकोज दिया हुआ है इसका केमिकल फार्मूला तो हमको पता है C6H12O6 मॉलिकुलर फार्मूला, तो सारे वैल्यू सब्सिट्यूट कीजिएगा, यू विल गेट द वेट ऑफ ग्लूकोज 540 ग्राम्स. बट हियर वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स पहचाना है तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, यहाँ पे फार्मूला भी है देखिए. नंबर ऑफ मोल्स पहचाना है तो वेट ऑफ दैट पार्टिकल बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट करेंगे तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम आर ऑप्शन बी 13 दोस्तों. The number of moles is equals to weight of element by molecular mass. Helium has a molecular mass of 4 and number of moles is equals to, if you divide it, you will get the answer. Avogadro number Na क्या होता है? Option B. Number of atoms in 1 gram atom of an element. Okay. Avogadro number, the number of atoms present in 1 gram atom or 1 mole of element in 6.022 into 10 power 23. This number is called Avogadro number और इसको N0 और Na से भी denote किया जाता है दोस्तों. So Avogadro number is represented by option B N0. Avogadro number is equivalent to 6.022 into 10 power 23. Okay. Next, 88 grams of CO2, the number of molecules present are option A 2 दोस्तों. Okay. Again same. Okay. यहाँ देखिए atomic weight of carbon 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, बट यहाँ पे दो ऑक्सीजन आटम से 2 से मल्टीप्लाई किया 44 आया. ओके okay, हमको दिया गया मॉलिक्यूलर वेट कितना 88 ग्राम्स का, दोनों को डिवाइड करेंगे विल गेट द आंसर. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हो गया दोस्तों 3.01 इंटू 10 पावर 23. वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम है, एटॉमिक वेट हमको पता है 1.008. वेट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, राइट. तो आप यू विल गेट 2.016, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 2 मान के चल सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, इफ यू डिवाइड यू विल गेट द आंसर दोस्तों. नेक्स्ट है हमारा बेर्जीलियस हाइपोथेसिस. द सिंबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंसिस्ट 2 लेटर्स, दैट इज ऑप्शन सी हो गया दोस्तों आयरन. सो आयरन में 2 लेटर्स होते हैं Fe. आयोडीन में I होता है, कार्बन में C होता है, फ्लोरीन में F होता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट कैन बी फॉर्म्ड बाय 1 or 2 लेटर्स ऑफ एलिमेंट्स नेम की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ये हो गया बर्जीलियस दोस्तों. इन 1811 जॉन्स जैकब बर्जीलियस इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ नेमिंग एंड इंडिकेटिंग फार्मूलास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. 1812 में इन्होंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था. अकॉर्डिंगली ईच सॉल्ट और कंपाउंड हैज़ 2 पार्ट्स, 1 नेगेटिव अनदर पॉजिटिव, 1 एसिडिक अनदर अल्कलाइन दोस्तों. बेर्जीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय 1 or 2 लेटर्स नेक्स्ट टू द नेम ऑफ एलिमेंट. ओके, जैसे कि सीरियम हो गया 58 एटॉमिक नंबर है, सी रखा गया. थोरियम हो गया एटॉमिक नंबर 90 है, TH रखा गया. सिलिकॉन हो गया एटॉमिक नंबर 14 है, SI रखा गया. टाइटानियम हो गया एटॉमिक नंबर 22 है, TI रखा गया दोस्तों. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज ओनली 1 लेटर इन इट्स सिंबल की बात करें तो ऑप्शन बी कार्बन. ठीक है. नेक्स्ट, द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट द एलिमेंट, ऑप्शन डी हाइड्रोजन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन. The given symbol is a chemical symbol of the hydrogen element, the first element of the periodic table. The first letter of the chemical symbol is always written in, option B हो गया दोस्तों, capital letters में लिखा जाता है. The first letter of chemical symbol is always written in capital letters. चलिए अब हम आते हैं metals, non-metals और metalloids में दोस्तों. The elements that have a intermediate properties between those of metals and non-metals are called metalloids. Which among the following is known as a metalloid की बात करें तो correct answer है इसका, that is option D हो गया germanium. Okay. A metalloid is a chemical element with properties that are a mixture of both metals and non-metals. Boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium are commonly recognized as metalloids. Okay. Which of the following is mostly commonly used as a semiconductor in solar cells? तो option B हो गया GAS. Okay. Gallium arsenide इसे कहा जाता है. So in group 3A semiconductor, the most common material is gallium arsenide, commonly used as substrate of other semiconductors, used for high efficiency solar cell. Fast electronics near IR LEDs. Which of the following is a metalloid दोस्तों? Option D हो गया silicon. Okay. Those metal which have both properties of metals and non-metals are called metalloids. For example, boron, silicon, germanium, arsenic, antimony and tellurium. Next, which of the following is a property of metalloids की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया semiconductor. Okay. So metalloid possesses properties of both metals and non-metals. Ex boron, example boron हो गया, silicon, germanium in periodic table. These are placed in between metals and non-metal. They are usually shiny, brittle and semi-conductive in nature. Dash are known as electronegative elements because they form negatively charged ions by the gain of electrons. That is option C हो गया दोस्तों, non-metals कहा जाता है. Okay? Non-metals are known as electronegative elements because they form negative charged ions by the gain of electrons. Non-metals usually have 4, 5, 6 or 7 electrons in their outermost shell and non-metal lack all qualities of metals. Next, dash is a electropositive in nature, that is option A हो गया metals. Elements other than hydrogen that give cation by loses electrons are called metals. Metals क्या है? Generally shiny, malleable and ductile दोस्तों. Metals are conductor of heat and electricity. Silver is the best conductor of electricity. ठीक है. एंड मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट और एज दर कॉम्पोनेंट मेटल्स आर इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 3 of the 4 words given below are identical in same way, which one is different? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पोटेशियम। द एलिमेंट जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड गैलियम आर द एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक इन द पीरियडिक टेबल एंड दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटालॉइड्स। वही अगर पोटेशियम की बात करें तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है दोस्तों। ठीक है, इट इज़ ओनली ए मेटल नॉट ए मेटालॉइड। द पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल इज ऑप्शन सी हो गया दोस्तों कर्व। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी मेटल move randomly as proven by atomic metals models, therefore the free electrons in any metal have curve path. Due to which properties of metal it is easy to make foils? That is option A ho gaya dosto, malleability. Okay, metals can be beaten and made into thin sheets. This property is called malleability. Due to the same properties of metal their size can easily changed, such as silver ho gaya, aluminum ho gaya, copper ho gaya, brass ho gaya, gold ho gaya. Metals are a good conductor of heat and electricity. They have high melting and boiling point. मेटल्स आर इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव नेचर दोस्तों, सो ऑप्शन डी इनकरेक्ट अबाउट द मेटल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स? दैट इज ऑप्शन डी हो गया दोस्तों मैलेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द मेटल्स? ऑप्शन डी हो गया, दे आर इलेक्ट्रिकली नेगेटिव। मेटल्स कैन बी बीटन एंड मेड इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। ड्यू टू द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देयर साइज कैन ईजिली चेंज, सच एज सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, गोल्ड। द मेटल इज फाउंड इन इट्स डैश रियल स्टेट की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों इन ए फ्री स्टेट। एनी मेटल विल रिमाइन इन रियल स्टेट ओनली इफ इट एग्जिस्ट फ्रीली। प्योर एल्यूमिनियम डज नॉट केमिकली कंबाइन विथ एयर एंड वाटर, सो इट एग्जिस्ट फ्रीली इन रियल स्टेट दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल 24 कैरेट गोल्ड एग्जिस्ट फ्रीली इन रियल स्टेट। द नेचर ऑफ डैश इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, ऑप्शन बी हो गया मेटल्स। ओके, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव वाइल नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटिल, शाइनी एंड आर इलेक्ट्रिकली हीट कंडक्टर्स। ओके, and are electrical and heat conductors. These elements in which the properties of both metals and non-metals are found are called submetals. Example: boron, silicon, germanium, antimony. Which of the following is not a physical property of non-metal? That is option A, only in a solid state दोस्तों। Physical properties of non-metal. Non-metal are bad conductor of electricity and heat. They are brittle, and non-metals are found in all three states: solid, liquid, and gas. Sorry, they do not have malleability and ductile properties. They have low melting and boiling points. Which of the following found in all three states: solid, liquid, and gases? That is option C. Okay, so non-metals. Okay, elements differ from metals are called non-metals. Non-metal found in all three states: solid, liquid, and gases. So far, there are 27 non-metals in the total known elements. Okay, which of the following statements regarding metals is incorrect? ये पूछा जा रहा है तो ऑप्शन बी हो गया, elements that have a tendency to give up electrons and make cations are called metals. For example, sodium, potassium, iron, copper, etc. Metals are malleable. Thin sheets can be made by beating them with hammer. For example, gold, silver are the most malleable metals. All metals are shiny and can be polished. Not all metals are liquid soft, instead they are solid and hard दोस्तों। Which of the following metal is the most ductile? Option A, Ag, that is silver. Okay, number of ductile metals is as follows. पहले gold आता है, बाद में silver, aluminium, copper, tin, lead, zinc and iron. Therefore silver is the most ductile metal in the given option. Which of the following is added to make iron hard and strong? That is option C होगा दोस्तों carbon. The strength of iron is less in pure form, therefore to make iron hard and strong and it increases strength, some amount of carbon is added to it. Steel जो कि एक अलॉय होता है आयरन एंड कार्बन का, in which the amount of carbon is up to 1.5%. The most ductile metal is option B हो गया दोस्तों। Okay, so aluminium, copper, silver, nickel, zinc, tin, chromium are non-ferrous metal. Their copper, aluminium, gold and silver are conductors of electricity. ठीक है, gold is the most tensile और ductile metal. ठीक है, chromium is a metal resistance to corrosion. The zinc is used in the plating process on metal. इसलिए the most ductile metal क्या होता है? Gold. Malleable refers to the quality of, option B होगा दोस्तों metal. Metal denotes the properties of malleability. This means solid metal ductility. Gold has most malleable properties. What is the property of metal in which its surface is shiny? Option D होगा दोस्तों metallic luster कहा जाता है. Metals are malleable. The metals can be hammered into thin sheets. The density of metals is also high and they have a special shine, also known as metallic luster. The surface of metals is shiny due to metallic luster. Tensile properties are also found in metals, due to which thin long wires of metals can also be made. Okay. The metal is malleable and soft because, option C, layers of metal atoms can slip on each other. Metals are malleable and soft because layers of atoms of metals can slip on each other. Metals are good conductors of heat and electricity. The property of beating metal and converting them into thin sheets are known as malleability. Non-metals are generally brittle, rough and bad conductor of heat and electricity. The property of metal that can cause them to be flattened are called malleable. Which of the following is not an example of malleable? तो ऑप्शन बी हो गया इंडियम फॉइल दोस्तों. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर यूजुअली, ऑप्शन ए, बेसिक. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर यूजुअली बेसिक्स and alkaline. Oxides are chemical compounds that have at least one oxygen atom with another element दोस्तों. Oxides of elements are formed by oxidation reaction of elements in air. Corrosion of iron is an important example of this दोस्तों. Corrosion of iron जो होता है. Which non-metal is a liquid at room temperature? Option B हो गया bromine. Bromine is an element of a halogen series whose atomic number is 35. It was discovered by French scientist Vallard. It is the only non-metal that remains in a liquid state at normal room temperature. Dash is the only non-metal that exists in liquid state. That is option A हो गया दोस्तों, bromine. Okay. And which of the following metals is used in a solar panel? कौन सा metal use किया जाता है solar panel में? Option B हो गया. Solar panel use light energy photons obtained from sun to produce electricity through photovoltaic effects. A wafer-based crystalline silicon cell or thin foil cell based on silicon is primarily used. Non-metal oxides usually are, option A, acidic. Each metal of the periodic table is classified into metal, non-metal and metalloid based on their physical and chemical properties. Non-metallic oxides are generally acidic ho gaya, while oxides of metals are generally alkaline. Amphotrophic compounds that react with both acid and bases. The amphotrophism depends on oxidation state of oxide. Which of the following is not generally the properties of non-metals? Option E ho gaya dosto, conductors. Elements that tend to gain electrons to form anion during chemical reaction are called non-metals. They are electronegativity elements. They are non-brittle and poor conductors of heat and electricity. Non-metals can be gas, liquids and solids दोस्तों. What is a solar cell made up of? Option A, silicon. Solar cell or photovoltaic cell converts solar energy into electrical energy. It is made up of semiconductor materials such as silicon, selenium and germanium. उसके बाद important method of separation of mixture की बात करें. Which of the following can perform sublimation? Option C हो गया ammonium chloride दोस्तों. Ammonium chloride, solid carbon dioxide, iodine, aluminum chloride, naphthalene are only separated by sublimation. These compounds can perform sublimation. Okay. Which of the following do not exhibit sublimation की बात करें तो correct answer है option A. On heating, when a substance changes from solid to gas directly, then that process is called sublimation. The ice do not exhibit sublimation. Which of the following methods will separate water from turbid water की बात करें तो option D हो गया दोस्तों, filtration. To separate the water from turbid water is filtered with special filter paper. Particles of more than a certain size cannot pass through this filter paper. This process is called filtration कहा जाता है. ठीक है. Next, which process is used in a water purification की बात करें तो option B हो गया reverse osmosis. Okay. Water is purified by reverse osmosis when the externally charged pressure is higher than the working osmotic pressure. Then osmosis is called reverse osmosis. Okay, that is solvent molecules move from a region of high concentration to the region of low concentration. Which of this is used to make water pure? Option C हो गया दोस्तों, reverse osmosis. Reverse osmosis is used in water purification of sea water to remove salt and other substance from water molecules. What is desalination की बात करें तो option B हो गया. It is a process in which mineral material is separated from salty water. Desalination is a process in which mineral matter is separated from saline water. Generally, the process of removing salts and minerals is also called desalination. और desalination किया जाता है ताकि salt water को fresh water में ये बदल सके दोस्तों. कि by this process, eaten salt is made, जो हम खाते हैं as a byproduct. Okay. What is the process of separating hydrogen from water is called option A, electrolysis दोस्तों. Method of separating hydrogen and oxygen from water is called electrolysis. This method is also used in industrial areas and it helps in production of aluminum, lithium, sodium and potassium. Which of the following is not a sublimable substance की बात करें तो correct answer इसका option A दोस्तों. Sublimation is a physical process. Sublimation is a conversion of a substance directly from solid to gas. The state of element does not change to an intermediate liquid. state during the entire process. For example, camphor, ammonium chloride, naphthalene is a sublimal substance, whereas sodium sulfate is not a sublimate substance. Which of the following process would be used to separate ammonium chloride from sodium chloride? Option B, sublimation. Okay, sublimation process used to separate ammonium chloride from sodium chloride. Sublimation is a method of separating substance from mixture in which upon heating a solid, it directly operates without going in a liquid state. For example, camphor and ammonium chloride are directly converted into vapor upon heating. Which of the following mixture can be separated by separating funnels? Option C हो गया oil and water दोस्तों. Okay. The mixture of oil and water can be separated by separating funnels as it is a heterogeneous mixture. Generally there are two types of mixture, homogeneous होते हैं और heterogeneous. ये पहले भी हमने पढ़ा है. A mixture whose constituent particles cannot be seen separately. जैसे नमक में पानी में अगर नमक हो तो हमको दिखाई नहीं देता है सेपरेटली. वही हेटेरोजेनियस जैसे कि पानी में अगर मिट्टी है, सैंड है, इट कैन क्लियरली विजिबल. वन ऑफ द टेक्निक्स यूज फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर इज ऑप्शन बी, डिस्टिलेशन. ओके, डिस्टिलेशन इज अ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन. द टेक्निक यूज फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर. द फिनोमेना ऑफ गैस बिकमिंग ए लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. द चेंज ऑफ एलिमेंट और कॉम्पाउंड फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट इज कॉल्ड evaporation. Next, change in state of matter. The which of the following factors reduces the rate of evaporation? Correct answer is option B दोस्तों, that is humidity. Okay. Moisture reduces the rate of evaporation. The amount of water vapor present in air is called moisture. The amount of invisible water vapor present in the atmosphere is called humidity. This humidity reaches the atmosphere by various forms of evaporation from Earth. If the temperature of the atmosphere increases, the process of evaporation is also intensified. Dash is a surface phenomenon. Option C हो गया दोस्तों, evaporation. Evaporation is a conversion of the liquid slowly into water vapor at every temperature from the open surface of fluid. Hence, evaporation is a surface phenomenon. Fluid is obtained heat from within itself for this purpose. Therefore, this action cools the fluid. Some example of this are seen in daily life, such as feeling cold when sweating from body. What is called conversion from liquid state to gaseous state? That is option C हो गया दोस्तों, evaporation. The conversion from liquid state to gaseous state is called evaporation. The conversion from gaseous state to liquid state is called condensation. Okay. For example, the formation of water from vapor or rain from clouds is called condensation. A substance changes from solid state to gaseous state without passing through intermediate liquid state. That is option E हो गया दोस्तों, sublimation. Okay. Sublimation is a transformation of a substance from solid state to gaseous state without passing through intermediate liquid state. The sublimation method separates a mixture of two solids in which one solid is sublimate, other is not. Okay. What is the process of conversion of a liquid to solid? Option C हो गया दोस्तों, that is freezing. The change of liquid into solid is called freezing, and the fixed temperature at which the liquid changes into solid is called freezing point. Okay. चलिए नेक्स्ट हम आ चुके हैं सोल्यूशन में. विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन भी हो गया अल्कोहल एंड ग्लूकोज. ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर नॉट आयोनिक कंपाउंड्स बट दे आर कोवैलेंट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इंस्टेड ऑफ ट्रांसफर बिटवीन टू एटम्स दोस्तों. ओके, फर्दरमोर फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द सोल्यूशन मस्ट हैव फ्री आयॉन्स प्रेजेंट. इन द केस ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज नो फ्री आयॉन्स आर देयर. याद रख लीजिए, उसमें कोई फ्री आयॉन्स ही नहीं होते हैं. अगर अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना है तो आपको फ्री आयंस होना ज़रूरी है दोस्तों. ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स? ऑप्शन ए, कोलॉइड कैन नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. ए कोलॉइड इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर. द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ए कोलॉइड आर टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली कैनॉट बी सीन बाय नेकेड आइज. कोलॉइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल. दे डू नॉट सेटल डाउन and when left undisturbed, that is collide is a quite stable दोस्तों. They cannot be separated from the mixture by the process of filtration. उनको separate भी नहीं किया जा सकता, but एक special technique of separation है known as centrifugation, उससे हम separate कर सकते हैं. A dash is a homogeneous mixture of two or more substance. Option C हो गया solution. Solution is a homogeneous mixture of two or more substance. Example, solution of sugar in water. What is the scale for measuring a hydrogen ion concentration in solution? Option C, pH scale. A scale for measuring hydrogen ion concentration in solution is called pH scale. Okay, pH stands for potence in German, meaning power. pH should be thought of as simply as number which indicates the acidic or basic दोस्तों. Okay, ranging from 0 to 14, with 7 being a neutral. Okay, 7 से less अगर जा रहा है तो acidic, 7 से ज़्यादा अगर जा रहा है तो basic. Okay. Homogeneous mixture of a solute and a solvent is called option B, solution. The homogeneous mixture of solute and solvent is called solution. The substance which is dissolved is called solute. The substance in which solute is dissolved is called solvent. A solution of a weak acid and its conjugate base salt is option C, buffer solution दोस्तों. Okay? A mixture of weak acid and its conjugate base salt or a mixture of weak base and its conjugate acid is called buffer solution. A solution of acetic acid CH3COOH and sodium acetate CH3COONA is an example of weak acid and base salt. A solution contains 320 gram of water with 47 gram of salt. Calculate the concentration of the solution की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों 12.8%. Amount of water in a solution 320 grams and the amount of solvent is 47 grams. Okay, so mass percentage is equal to solvent by solvent plus solute into 100. Okay, multiply करें तो आंसर आएगा. So a substance in which 49 gram of ordinary salt is dissolved in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage. ठीक है, देखिए हमको दिया है एक soluble sodium chloride का जो quantity है 49 grams. Mass of water भी हमको दे दिया गया है 320 grams. टोटल मास अगर हम पहचाने तो दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा. और मास परसेंटेज का कॉन्सेंट्रेशन मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूट क्या है? सोडियम क्लोराइड जो कम होता है. सोल्यूशन क्या है? इसमें मिलाया गया है मास वाटर. करेंगे तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ए सोल्यूशन कंटेन 31 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 320 ग्राम्स वाटर. ओके, ये सोल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया दोस्तों. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास अकॉर्डिंग टू मास परसेंटेज सोल्यूशन. देखिए मास ऑफ सोल्यूट 31 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम्स. टोटल मास अगर आप कैलकुलेट करेंगे दोनों का ऐड कीजिए. कॉन्सेंट्रेशन का सिंपल फार्मूला है मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. करेंगे तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, द अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट इन द सोल्यूशन द 320 ग्राम ऑफ वाटर इज 32 ग्राम्स. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय अगेन सेम आंसर. ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मास बाय मास परसेंटेज इन ए सोल्यूशन मेड बाय डिजॉल्विंग 50 ग्राम्स ऑफ शुगर इन 150 ग्राम्स ऑफ वाटर. अगेन सेम दोस्तों, अलग अलग दिया है, दोनों को ऐड कीजिए और डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा. ओके, ए सोल्यूशन कंटेन 320 ग्राम्स ऑफ वाटर विथ 36 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट. सो व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट. ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम्स. ओके, मास ऑफ सोल्यूट 36 ग्राम्स. टोटल मास करेंगे तो ऐड किया जाएगा दोनों को तो 356. मास कॉन्सेंट्रेशन की बात करें मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100. करेंगे विल गेट द आंसर. ओके, दैट इज 10.11%. सो यहाँ पे जो है 1 घंटे से ज़्यादा लेक्चर हो गया है दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि यहीं पे स्टॉप करूँ. उसके बाद मैं दूसरा उसकी इसी के पर कंटिन्यूएशन का लेक्चर लेके आऊँगा. ओके, तो आपको भी जो है प्रैक्टिस करने का थोड़ा टाइम भी मिलेगा. जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार दो बार अच्छे से रिवाइज कीजिए. स्पीड बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब में जो प्लेबैक स्पीड होती है, ताकि आपको जल्द से जल्द रिवाइज हो जाए. तो नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ मैं इसके कंटिन्यूएशन में. उसके बाद मैं एक कम्बिनेशन का पार्ट भी ला दूंगा. अगर आप वन शॉट देखना चाहते हैं तो जितने भी 1 आवर के लेक्चर्स होंगे उसको कंबाइन करके भी दिया जाएगा. ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों. टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी.